नमस्कार दोस्तों, ये एक डिजिटल प्रोटेस्ट है, ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। हाल ही में जो हमारा लेट बलजीत सिंह का बॉडी का साथ में जो हुआ, उनका मृतक शरीर के साथ जो लापरवाही हुआ, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी हम जीबी पंत का मैनेजमेंट को बोलेगा। आई डू रेस्पेक्ट टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, मगर इतना बड़ा है गलती कैसा एक मैनेजमेंट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज आपको एश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा गलती दोबारा ना हो, और यही लापरवाही का वजह से ये आंदोलन है। वी नीड जस्टिस फॉर अवर लेट बलजीत सिंह जी। वंदे मातरम, जय हिंद। आवर अंडमान इज सफरिंग, आवर पीपल इज सफरिंग, इट्स अ हाई टाइम नाउ, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड फाइट, वी वांट जस्टिस फॉर बलजीत सिंह। बलजीत सिंह के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों आपका भी साथ ऐसा ही हो सकता है। मेरे दादा बलजीत सिंह को इंसाफ चाहिए। आई एम अ स्टूडेंट, क्या हमारे आने वाला फ्यूचर सेफ है? बलजीत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उनके साथ भी हुआ है, कल हमारे साथ भी होएगा। हम ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बलजीत सिंह के साथ हुआ, हमने ये नहीं चाह रहे कि ये दोबारा किसी और के साथ हो, और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा अंडमान क्लीन रहे और हेल्दी रहे। लेकिन पता नहीं कहां पर ये चूक हो रहा है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हेल्प अस, हेल्प टू अंडमान। जीबी पंत की गलतियों की वजह से बलजीत सिंह अंकल के साथ क्या हुआ, ये सबको पता है, और हमें उनके लिए नया चाहिए। जस्टिस फॉर बलजीत सिंह, हैशटैग जस्टिस फॉर बलजीत सिंह। अगर अभी सही एक्शन नहीं लिया गया तो वो टाइम दूर नहीं जब अंडमान के जीबी पंत हॉस्पिटल को चाइना के वुहान शहर में जो मार्केट लगा था उससे कंपेयर करने लगेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मिस्टर बलजीत सिंह, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एवरीवन। मैनेजमेंट में प्रॉपर चेंजेस लाइए, एटलीस्ट अवॉइड नेग्लिजेंसी, जो भी हो रहा है नेग्लिजेंसी के कारण ही हो रहा है। हमारे अंडमान में इंसानों की हालत जानवर से भी बदतर हो गई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलजीत सिंह को न्याय मिलना ही चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से जो भी बलजीत जी के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो गाइस, सही टाइम है हमें एक्शन लेने का। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी के डेथ के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप्स नहीं लेगा और ऐसे ही आगे लोग मरते जाएंगे जीबी पंत हॉस्पिटल में। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर बलजीत सिंह जी। नाउ द टाइम हैज गॉन फॉर इक्वालिटी, नाउ इट्स टाइम फॉर इक्विटी। क्या हम लोगों को कोविड से डरना है कि अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन से? जस्टिस फॉर बलजीत सिंह। आई जस्ट वांट टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, विद नो ऑफेंस एंड विद नो वायलेंस। आई जस्ट वांट टू आस्क, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ दिस जीबी पंत हॉस्पिटल? आई थिंक बीइंग ए सिटीजन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिस इज माय राइट टू नो व्हाट इज लैकिंग इन द मैनेजमेंट फील्ड इन जीबी पंत हॉस्पिटल। दैट्स इट। बलजीत सिंह अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये किसी और के साथ ना हो। वी वांट जस्टिस फॉर बलजीत सिंह अंकल। सो गाइस, रिसेंटली यहां पर एक इंसिडेंट हुआ जीबी पंत हॉस्पिटल में बलजीत सिंह जी के साथ, जो कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे प्लीज नेग्लेक्ट मत कीजिए, हो सकता है कल परसों हमारे साथ भी हो। बलजीत सिंह अंकल को इंसाफ मिलना चाहिए, आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। वी नीड जस्टिस फॉर बलजीत सिंह अंकल, आज जो उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। वी नीड जस्टिस फॉर बलजीत सिंह अंकल, हैशटैग शुड नेवर हैपन अगेन। वी वांट जस्टिस फॉर बलजीत अंकल। आई एम शालिनी, वी वांट जस्टिस फॉर लेट बलजीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, DHS की तरफ से जो मेडिकल नेग्लिजेंस दिखाई दे रही है, रिसेंटली हमने देखा जैसा बलजीत सिंह के साथ और मेटर्निटी वार्ड में फीमेल्स के साथ मेल्स को रख दिया गया, ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस इन फ्यूचर में ना हो, इसके खिलाफ जो DHS को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर DHS नहीं ले रहा है एक्शन तो DHS के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। 5 अप्रैल 2020 को हमने कोरोना वॉरियर्स डे बनाया था। डॉक्टर्स, नर्स और जो भी कोरोना के टाइम काम कर रहे थे, उन लोगों के सम्मान में, क्या इसी दिन के लिए कि हमें जब उनकी ज़रूरत हो तब हमें ये सब झेलना पड़े जो बलजीत जी के साथ हुआ। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो इन सब में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, कब तक सोओगे, कब जागोगे और कब तक ये सहना पड़ेगा आम आदमियों को? दीप समूह ऐसे ही COVID-19 में बहुत कुछ फेस कर रहा है। ये लापरवाही हॉस्पिटल का क्या देख रहे हो आप लोग? प्लीज़, मैं आप सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से
विनती करता हूँ कि प्लीज़ जागिए और देखिए कि क्या हो रहा है। हमारा छोटा सा द्वीप समूह है जो मिनी इंडिया कहलाता है, वो आपके हाथ में है। तो प्लीज़ अब नहीं तो फिर कब? जागो एडमिनिस्ट्रेशन, जागो।